सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद जिस तरह से बॉलीवुड के कई सितारों पर सवाल उठाए गए, उससे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में काफी नाराजगी है और अब ये नाराजगी कोर्ट तक आ पहुंची है। निर्माताओं ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और मीडिया ट्रायल को रोकने का भी आग्रह किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पत्रकारिता लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ माना जाता है जो आम जनता को सरकार से जोड़ता है, समाज के उन मसलों पर रोशनी डालता है जो सत्ताधारियों की आंखों से ओझल हो जाती है। कहा जाता है कि यदि पत्रकारिता स्वतंत्र है तो लोकतंत्र सुरक्षित है। ऐसे में जरूरी है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होकर की जाए, लेकिन इन दिनों पत्रकारिता का मूल खुद पत्रकार ही भूलते जा रहे हैं और इसका असर संस्थानों में देखने को मिल रहा है। इसीलिए बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। निर्माताओं ने न्यायालय में फिल्म उद्योग के खिलाफ कथित तौर पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को रोकने का अनुरोध किया है। साथ ही कुछ मुद्दों पर मीडिया ट्रायल रोकने का भी आग्रह किया है। फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन और 34 निर्माताओं द्वारा दायर की गई याचिका में उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की गोपनीयता के अधिकार में हस्तक्षेप करने से रोकने की अपील की गई है। याचिकाकर्ताओं में आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, अजय देवगन, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी के स्वामित्व वाले प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं। बता दें कि रिपब्लिक टीवी, उसके प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी और पत्रकार प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर और समूह संपादक नविका कुमार से गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने या प्रकाशित करने से बचने का अनुरोध किया है। टीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।